हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग 300 जो एमसीक्यू आपके करंट अफेयर्स के उसकी सीरीज़ को कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आज हम उस सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे और फिर हम एडिशनल जितने भी आपके सेप्टेम्बर के होंगे उस करंट अफेयर को कवर करते चलेंगे। ये जो मैं करंट आपको करवा रहा हूँ ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसमें मैं एडिशनल फैक्ट तो आपको समझा ही रहा हूँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ग्रुप डी के पेपर शुरू हो चुके हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चों ने एनालिसिस देख लिया होगा कि आपको एक मालूम चल गया है पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कुछ अलग तरीके की बातें चल रही हैं। मैं इस लेक्चर के बीच में आपको बताता चलूंगा कि जैसे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। मैंने आपको पेपर देने से जब आप इलेक्शन कानूनों का एग्जाम हुआ था उससे कुछ दिन पहले बता दिया था कि पेपर होने के लगभग 7 से 8 दिन तक बच्चों के दिमाग में ये बातें घूमती रहेंगी कि सर इसका कट ऑफ क्या रहेगी, इसका रिजल्ट कब आएगा। ये सारी बातें छोड़कर अपने फुली कंसंट्रेशन करें पुड्डा एग्जाम पर और ग्रुप डी के एग्जाम पर। आपके लिए इम्पोर्टेंट वो कट ऑफ नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पेपर है। आपने जो वर्क कर दिया तो छोड़ दीजिए। मेरे कहने से या किसी अदर के कहने से कट ऑफ कभी भी पेपर की चेंज नहीं होगी। सिर्फ आपके दिल को थोड़ी तसल्ली मिलेगी, आपके जो मन के अंदर उछाल आ रहे हैं ना तो उनको थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। तो मैं यूं ही कह देता हूं कि 84 रहेगी। अब अगर आप मान सकते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी आपकी मर्जी है। बस मेरा काम यह है कि आपको आगे लेके बढ़ना है, आगे चलें, जो काम हो गया उसको छोड़ दीजिए। अगर आपने गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपनी अटेंडेंस जरूर पूरी कर दिया करें। आज का जो करंट अफेयर सेशन है कौन कौन से पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, पुड्डा एग्जाम, एसएससी, आरपीएफ, स्पेशल ग्रुप डी, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर संबंधित एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन के एडिशनल फैक्ट भी समझाता चलूंगा, जहां आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। पहला क्वेश्चन है कि जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि ऐसी कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने फोर्ब्स लिस्ट के अंदर टॉप 10 में पेड फीमेल एथलीट 2018 में हैं। दीपिका पालिकल, मिथाली राज, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो अब आपसे क्वेश्चन अब ये भी पूछा जा सकता है कि दीपिका पालिकल कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये स्क्वैश से संबंधित हैं, ध्यान रखना स्क्वैश प्लेयर हैं, तो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। और इनको मैं बता दूं कि पद्म अवार्ड और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। मिथाली राज की बात करते हैं तो मिथाली राज भारतीय वनडे टीम की कप्तान है और T20 के लिए हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। तो ध्यान रखना कि 6000 रन बनाने वाली इकलौती महिला खिलाड़ी है। और मैंने इससे पहले भी आपको एक बार क्वेश्चन बताया था कि जूलन गोस्वामी जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं, जो फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 200 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के एकमात्र ऐसे बॉलर हैं, तो उनके बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और मिथाली राज से भी पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि साइना नेहवाल की, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हैं। इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न भी अवार्ड मिल चुका है, याद रखना है आपको। और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन से है, इनको पद्म अवार्ड और अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईरान ने रिसेंटली एक अनवेल्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली विल्ड फाइटर जेट नेम्ड, उसका नेम बताना है क्या होगा। तो इन चार ऑप्शनों में सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो याद रखना है आपको कौसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मेरा आपसे एडिशनल क्वेश्चन ये है कि बताएं कि ईरान, तो ईरान की कैपिटल सिटी क्या है और ईरान की करेंसी क्या है, क्योंकि मैं हर बार आपको रिपीट करवाता हूं तो मेरी कोशिश ही रहती है कि आपको एडिशनल फैक्टर बीच बीच में आते रहें, ठीक है। तो आपने पता कर लिया होगा इतनी देर में, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कैपिटल है वो तेहरान है और इसकी जो करेंसी है ईरान की वो रियाल है। तो ये पेपर में इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, आप इनको जरूर सुनते चलें और लिखते चलें। मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा ये होगा कि जितने मैं एडिशनल फैक्ट आपको बताता हूं उनको आप अलग से नोटबुक में जरूर लिखें। Who set the new world record in 50 meter backstroke swimming in Asian Games 2018? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ल्यू जिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये चाइना से संबंधित है, ये चाइनीज प्लेयर है, याद रखना है आपको।
अब बात आती है चाइना की। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ की करेंसी युआन है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एशियन गेम्स के बारे में कहते हैं, तो मैंने आपको इसका सेकंड नेम पूछा था और इवन की एक मैंने एशियन गेम्स के संबंधित एक लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाया है, जिसके अंदर सिर्फ मैंने गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर्स के नेम बताए हैं और उनका जो इवेंट था, उनका जो कौन सा गेम से संबंधित है, वो जरूर आपको याद रखना है। पेपर के संदर्भ से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फैक्ट्स, क्योंकि पेपर में हर एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपसे पूछा जाता है, मतलब वो सेम नहीं होता। जैसे मैंने कह दिया कि किसी भी ले लेते किसी भी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, श्री अमृतसर को उठा लेते हैं, अमृतसर कब बना था, या गोल्डन टेम्पल कहाँ है, जलियांवाला बाग कहाँ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कहने का मतलब अमृतसर पे बार बार घूमेंगे, तो ये सारे फैक्ट्स हमें मालूम होने चाहिए। एशियन गेम्स कहाँ हुआ था, ये इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी जकार्ता, तो याद रखना है आपको, ठीक है, पेपर के लिए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। जितने भी प्यारे बंधु इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करते चलें, ताकि हर बच्चे तक ये लेक्चर पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं कि गिल्ज एसएससी मेंटोर, और यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा पीडीएफ स्टडी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज पे नहीं किया जाता, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, अरुण जेटली जी ने अपना चार्ज था, वो फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से छोड़ दिया था, और किस वजह से छोड़ दिया था, कि किडनी ट्रांसप्लांट के कारण छोड़ा था, और इनको एडिशनल चार्ज, जो इनका एडिशनल चार्ज था, इनकी एब्सेंस में किसे दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है पीयूष गोयल को दिया गया था। लेकिन ध्यान रखना कि सितंबर में जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैं बता दूं ग्रुप डी या पुड्डा एग्जाम जो आने वाले पेपर हैं, तो इनके लिए पूछा जाएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, तो वापस से अरुण जेटली जी ने अपना डिपार्टमेंट, अपना पद ग्रहण कर लिया है। तो अब बात आती है कि जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक बच्चे का कमेंट आया था कि जब भी सर मिनिस्ट्री के संबंधित क्वेश्चन आए तो प्लीज उनका निर्वाचन क्षेत्र, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड उनका जो स्टेट है वो कहां से है वो जरूर बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर, तो ये क्या है, एचआरडी मिनिस्टर, जिसको हम एमएचआरडी कहते हैं, एमएचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करूं तो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से चुन के आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर है, ये आपको याद रखना है, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर, और ये भी कहां से है, महाराष्ट्र से है। धर्मेंद्र प्रधान है, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप ये मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना है आपको, देवगढ़ से चुन के आए हुए हैं। इसके बाद की बात करते हैं सुरेश प्रभु जी, तो ये हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, तो पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं, इनको आपने याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया नाउ वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट, गोवा इंटरनेशनल, राजीव गांधी इंटरनेशनल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कैंप पगोड़ा। ये कहां पर है, ये हैदराबाद में है, तो हैदराबाद कहां आता है, ये तेलंगाना की कैपिटल सिटी है, याद रखना है आपको इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं इसके भी। आपने बताना है कि फोर्ब्स लिस्ट के अंदर वर्ल्ड जो हाईएस्ट पेड एक्टर 2018 कौन है, लगभग जिन्होंने $239 मिलियन पे किया है, जॉर्ज क्लूनी, ये डैन जॉनसन, रॉबर्ट डॉने, ये जैकी चैन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये एक अमेरिकन एक्टर हैं, याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि इनका प्रोफेशन क्या है, तो अमेरिकन एक्टर हैं। डेवन जॉनसन आल्सो यूएसए फिल्म एक्टर एंड आल्सो WWE स्टार, तो आपसे पेपर में क्वेश्चन सिर्फ जॉर्ज क्लूनी के बारे में याद रखना, इससे संबंधित पूछा गया था। सातवां क्वेश्चन लेते हैं, इन दिए गए चार ऑप्शनों में से किसे संजय गांधी नेशनल पार्क द ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो आपको बताना है कंगना रनौत या राधिका आप्टे, रवीना टंडन या तापसी पन्नू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, रवीना टंडन। तो हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताएं संजय गांधी नेशनल पार्क किस स्टेट में है,
और इनका पर्टिकुलर आपने बताना है कि कौन सा पैलेस है, ठीक है। तो ये जरूरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, तो आप बताएंगे इसमें। जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल ही में भारत में विजिट किया था, उनका नेम बताना है आपने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा व्यू फिंगे। व्यू फिंगे इज द चाइनाज फाइनेंस मिनिस्टर एंड हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली, तो आपको याद रखना ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पेयर वॉन गोल्ड मेडल इन टेनिस मिक्स्ड डबल एट द एशियन गेम्स 2018? तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है रामकुमार रामानाथन एंड सुमित नागल, सेकेंड है लिएंडर पेस एंड रोहन बोपन्ना और दिविज शरा, नेक्स्ट आपके पास है प्रंजेश एंड दिविज शरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये सी होगा। मैंने आपको एशियन गेम्स के संबंधित जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाया था उसके अंदर मैंने गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट दी है। मैं फिर भी कहूंगा उनके इवेंट्स अच्छे से आप लर्न कर लें, पेपर में यही बार बार आपको पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली? हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्कॉट मैरिसन होगा, आपको याद रखना है। और अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बताएं कि इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उनका नेम क्या था। स्कॉट मैरिसन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। जहां तक प्यारे बंधु ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा और यहाँ की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये पेपर के लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप उस कंट्री की दो चीजें आपको जरूर अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बंधुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु विल बी ऑनर्ड विद द 2018 एशियन गेम्स चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय ग्लोबल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एशियन सोसाइटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा नूवी या जैक मा, मुकेश अंबानी या सुंदर पिचाई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंदिरा नूवी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये कौन है आपने याद रखना है कि सीईओ ऑफ पेप्सिको, ठीक है। तो ये पेप्सिको के हैं। अब बात आती है पेप्सिको का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेप्सिको का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ये भी याद रखना है, न्यूयॉर्क में यानी यूएस में। तो इससे संबंधित आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूंगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा भारतीय प्लेयर फर्स्ट एथलीट गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स 2018 में? तो इनके नाम दे रखे हैं सीमा पुनिया या हिमा दास, तेजेंद्र पाल सिंह तूर या नीरज चोपड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन होगा तेजेंद्र पाल सिंह तूर। तो ये एथलीट से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉइंट किया गया है? जी सतीश रेड्डी, संदीप जाजोदिया या एस क्रिस्टोफर या उदय कुमार वर्मा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से याद रखें, पेपर में पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर ग्रुप डी में तो 100% पूछा जाएगा, ग्रुप डी में पूछा जाए, पुडा में पूछा जा सकता है क्योंकि हाईलाइटेड क्वेश्चन था ये, तो आपको याद रखना है। अब आ जाती है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीवी सिंधु ने अभी हाल ही के अंदर मेडल जीता है, पीवी सिंधु वॉन इंडिया, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बंधु सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, ताई जू यिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी प्यारे बंधु नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विच नेशन हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स इन ए बिड टू टैकल द पीरियड पॉवर्टी। अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांस, इटली, कनाडा, स्कॉटलैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्कॉटलैंड होगा, पेपर में याद रखना है आपको। फ्रांस की बात करते हैं पेरिस इसकी कैपिटल है, इटली की बात करते हैं रोम इसकी कैपिटल है, कनाडा की बात करते हैं ओटावा इसकी कैपिटल है, एंड स्कॉटलैंड की बात करते हैं प्यारे बंधुओं तो एडिनबर्ग इसकी कैपिटल है, एडिनबर्ग याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्स कमर्शियल फ्लाइंग ऑफ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स इन इंडिया फ्रॉम दिसंबर 1 से, दिसंबर 2 से, नवंबर 14 से या सितंबर 30 से। अच्छा क्वेश्चन है। और ये गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो ये दिसंबर 1 से, इसका 1 दिसंबर से ये पूरे का पूरा कमर्शियल फ्लाइंग है ये शुरू हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रो टू विन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल एज द शैटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय क्लियरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 88.06 मीटर इन जकार्ता। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जेवलिन थ्रो इन्होंने फेंका था और इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी दूसरे प्लेयर से और इसी वजह से इनको गोल्ड मेडल मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन बताना है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो सुषमा स्वराज आपने याद रखना है। इन्होंने इनोग्रेटेड किया है जयपुर फूड 500 बेनिफिशियस इन, तो ये आपने बताना है इंडोनेशिया, थाईलैंड, कोलंबिया, कंबोडिया, वियतनाम। अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर के संदर्भ से देखें तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वियतनाम। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की जो कैपिटल है वो हुनई है, आपने याद रखना, और यहां की जो करेंसी है वो डोंग है। पेपर के लिए मैं फिर से बता दूं, आपको जो ऑप्शन दिया जाता है उसके साथ में उसके एडिशनल फैक्ट भी आपको मालूम होने चाहिए। इंडोनेशिया की बात करते हैं, जकार्ता इसकी कैपिटल है, रुपया इसकी करेंसी है। थाईलैंड, क्योंकि आपको मालूम होगा कि थाईलैंड के संबंधित मैंने हाल ही के अंदर आपको एक बैंकॉक है और थाई बहत इसकी क्या है, करेंसी है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कंबोडिया की आपने कैपिटल और करेंसी बतानी है और ये विद क्वेश्चंस लिख के आप बताएंगे। आज की सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट बताना है आपने अपॉइंटेड किया गया है एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क UNEP, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहूंगा मैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के संदर्भ से देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, सत्या एस त्रिपाठी। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, आपने इनमें से बताना कौन सा बैंक नेम एज वर्ल्ड बेस्ट बैंक इन डिजिटल इनोवेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बंधुओं वो होगा आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, DBS बैंक। तो ये बैंक कहाँ है, ये सिंगापुर का बैंक है। तो आज की सीरीज के 20 क्वेश्चन थे, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज आप शेयर जरूर करें और हाँ, जितने मैंने एडिशनल क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आप जरूर दें।